हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड। प्रेगनेंसी की जहाँ तक बात की जाए तो प्राइमरी टेस्ट घर पर कराना ही पहली चॉइस मानी जाती है और बेहतर भी यही रहता है कि आप घर पर ही टेस्ट कर लें। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आप कैसे पता चलाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। प्रेगनेंसी दो तरह से चेक होती है, एक यूरिन के थ्रू और दूसरा ब्लड टेस्ट के थ्रू। प्रेगनेंसी को ब्लड के थ्रू चेक करने के लिए 8 to 10 days का टाइम लगता है और यूरिन के थ्रू चेक करने के लिए 12 to 14 days का टाइम लगता है। यूं तो प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा लक्षण पीरियड मिस होना माना जाता है, पर इसके साथ और भी कई बदलाव आपके शरीर में महसूस किए जा सकते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहला बदलाव जो आपको महसूस हो सकता है वो यह है कि आपको अपने ब्रेस्ट टेंडर या फिर ज़्यादा सेंसिटिव महसूस हो सकते हैं। ब्रेस्ट में भारीपन या दर्द भी महसूस किया जा सकता है। इसके साथ ही निप्पल के कलर में डार्कनेस भी आने लगती है। अगर आप ऐसा कोई चेंज अपनी बॉडी में फील करते हैं तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हों। दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी 2 से 3 हफ्ते पुरानी है तो आपको उल्टी या जी मचलाने जैसा महसूस हो सकता है। इसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। आपके शरीर में बेचैनी महसूस हो सकती है और चक्कर भी आ सकते हैं। इसलिए अगर ऐसा कोई चेंज आपको अपने शरीर में महसूस होता है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हों। प्रेगनेंसी का ये लक्षण भी बहुत देखने को मिलता है कि जिसमें मूड चेंज हो जाता है। आपके मूड में चेंजेस आने लगते हैं, आपके खाने पीने के इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं। जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगा करती थी हो सकता है कि वो अब आपको अच्छी ना लगे, और कुछ चीज़ें जो आप नापसंद किया करते थे हो सकता है कि पसंद करने लगे। अगर आपको अपने बिहेवियर में ऐसा बदलाव देखने को मिलता है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हों। अगला मेन साइन जिससे कि आप पता चला सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, वो है पीरियड्स का मिस होना। जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया गया है कि अगर आपके पीरियड्स की डेट 1 सप्ताह लेट हो जाती है तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हों। पर पीरियड्स का लेट हो जाना आपको कोई श्योरिटी नहीं देता, इसलिए ज़रूरी है कि आप टेस्ट करें कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। और ये काम आप घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट किट की सहायता से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करें। आजकल मार्केट में कई तरह के प्रेगनेंसी टेस्ट किट मौजूद हैं जिससे कि आप अपनी प्रेगनेंसी घर पर ही टेस्ट कर सकते हैं। पर सलाह यही दी जाती है कि श्योरिटी के लिए आपको डॉक्टर से टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके यूरिन में HCG यानी ह्यूमन क्लोरियोनिक गोंडाट्रोफिन नाम का एक हार्मोन जो कि प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है आपकी प्रेगनेंसी को एंश्योर करता है। अगर HCG आपके यूरिन में है तो इसका मतलब यह है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और सभी तरह के जो एहतियात हैं वो बरतने आपको शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर बहुत ज़रूरी होता है और काफ़ी तरह की सावधानियां हमें रखनी पड़ती हैं। घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करने का आइडियल टाइम सुबह का होता है। सुबह का पहला यूरिन, उसमें HCG की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए टेस्ट के रिजल्ट्स एक्यूरेट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट कैसे इस्तेमाल करें। आप बाज़ार से कोई भी टेस्ट किट ले सकते हैं, यह 100 से 150 रुपये तक आ जाती है। इसमें आपको एक ड्रॉपर और एक कार्ड मिलेगा। अब आपको सुबह का पहला यूरिन और उसके कुछ ड्रॉप्स कार्ड पर बने एक छेद में डालने हैं और 5 मिनट तक इंतज़ार करना है। आपके सामने 3 रिजल्ट्स आ सकते हैं। रिजल्ट नंबर 1, पहला कार्ड पर आपको एक लाइन नज़र आएगी जिसका मतलब यह है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, आपका प्रेगनेंसी रिजल्ट नेगेटिव आया है। दूसरा, आपको कार्ड पर 2 लाइनें नज़र आएंगी जिसका मतलब यह है कि आप प्रेग्नेंट हैं, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको खास सावधानी रखनी शुरू कर देनी चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरा, कि कार्ड पर कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपका टेस्ट इनवैलिड है जिसके लिए आपको दोबारा से टेस्ट करना चाहिए। आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपके पास किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको अगले वीडियो में मिलूंगी कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।